Hi everyone, this is Avneesh Dhariwal. Today I am going to deal with the legal topic of the right to nota. That means the right to elect or select the button of none of the above. Nota का जो concept है वो इस philosophy पे based है कि एक voter को right होना चाहिए सारे candidates को reject करने. So we would deal with this today. It is a very important topic for judicial services as well as for civil services. तो जो भी points मैं बता रहा हूँ, note it down in half of the page. Those of you don't know me, I am working as a judicial magistrate. Now coming to the topic of right to nota, none of the above. None of the above की philosophy ये है कि पिछले काफी समय में 50 सालों में 60 सालों में different governments have come, different candidates have been elected by the public, but the ground realities have not changed. That means corruption reduce नहीं हुआ है, employment जो है उतना नहीं मिला है लोगों को, जो हमारा administration है वो responsive नहीं है, उसी ढंग से जो है ग्रामीण जो area में जो problems हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं किया है, नहीं गया है. तो जितनी भी government हैं, सारी governments they have somehow failed to fulfill the expectation of the people. जो भी government रही है वो लोगों की expectation पर खरी नहीं उतरी है. तो इसलिए if nota की philosophy ये है कि एक voter को right होना चाहिए कि वो एक button पर click कर सके which says none of the above. It means वो किसी भी candidates को जो उसकी constituency से हैं elect नहीं करना चाहता है, वो इन सब को reject करना चाहता है. तो इसका रीजन ये है कि इससे शायद गवर्नमेंट की फिलॉसफी में फर्क पड़े, शायद गवर्नमेंट ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो, शायद गवर्नमेंट अच्छे कैंडिडेट्स को जो है फील्ड में उतारे. दीज आर द एक्सपेक्टेशंस. नाउ दिस कॉन्सेप्ट वाज फर्स्ट अप्लाइड इन छत्तीसगढ़ में सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट जो है अप्लाई किया गया था और सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 का ये जजमेंट है. इस जजमेंट में बहुत एलाबोरेटली डील किया गया था नोटा का इश्यू. कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशंस की इसमें जो बहुत पर्टिनेंट है, दैट इज डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट चॉइस. डेमोक्रेसी में वोटर की चॉइस होती है कि वो किसे चूज करना चाहता है और किसे रिजेक्ट करना चाहता है. उसका इफेक्टिव पार्टिसिपेशन तभी हो सकता है जब हम उसे एक ऑप्शन ये भी दें कि he can reject all of the candidates. That means he can click on the nota का जो बटन है या फिर बाकी भी जो बैलेट पेपर से भी जहां मतदान होता है उसमें भी इसका ऑप्शन दिया जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जब बहुत ज्यादा नोटा का यूज होगा then political parties they would be more responsive. वो ज्यादा रेस्पॉन्सिव होंगी अपने वोटर्स के लिए, अपने वोटर्स की रिक्वायरमेंट्स के लिए, और शायद उनकी उनकी जो कार्यप्रणाली है, जो उनका वर्किंग पैटर्न है वो चेंज होगा. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी एक्सपेक्ट किया था कि जब नोटा का ऑप्शन दिया जाएगा तो बहुत सारे लोग जो अभी वोट नहीं करने जाते हैं शायद दे वुड बी इंटरेस्टिंग इन कमिंग टू द वोटिंग बूथ्स एंड क्लिकिंग ऑन द वोटर. नाउ नोटा का जो राइट है वो राइट जो है 19(1)(a) से कहीं ना कहीं रिलेटेड है. एक इंडिविजुअल, एक वोटर को जब एक सारे कैंडिडेट्स के बारे में पता होता है तो वो अपने अपने वोटिंग राइट को अच्छे ढंग से एक्सप्रेस कर सकता है. वो चाहे तो वोट करे, वो चाहे तो वोट ना करे, इसी ढंग से वो चाहे तो नोटा पे क्लिक करे. तो ये आर्टिकल 19(1)(g) से कहीं ना कहीं रिलेटेड है. आप अपने आप को एक्सप्रेस करने की जब बात करते हो देन यू हैव द राइट टू एक्सप्रेस योरसेल्फ और नॉट टू एक्सप्रेस योरसेल्फ. उसी ढंग से जो है आपका एक्सप्रेशन ये भी हो सकता है कि नहीं, इनमें से कोई भी कैंडिडेट जो है वर्दी नहीं है, इस लायक नहीं है कि वो चूज किया जाए. सो दिस इज कमिंग फ्रॉम आर्टिकल 19(1)(g). ऑल्दो राइट टू वोट इज ए स्टैट्यूटरी राइट. अगेन इस पॉइंट पे मेरे रिजर्वेशंस हैं कि राइट टू वोटिंग इज स्टैट्यूटरी राइट और उससे ज्यादा भी कुछ है कि नहीं है. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था एक पहले जजमेंट में
कि राइट टू वोट इज जस्ट ए स्टेच्युटरी राइट। नाउ अब नोटा जो है उसकी प्रैक्टिकल रिलीवेंस कितनी है ये अनदर इश्यू है, क्योंकि सपोज करो कि कहीं पे 100 वोट्स हैं और वहां पे 50 लोग जो है नोटा पे क्लिक करते हैं, लेकिन एक कैंडिडेट बाकी जो 50 वोट्स हैं उनमें से जो है एक कैंडिडेट को 20 वोट मिलते हैं, एक कैंडिडेट को 30 वोट मिलते हैं, तो यहां पे 30 वोट जिसे मिले हैं ही वुड बी इलेक्टेड। तो जो इलेक्टेड कैंडिडेट है उसे मेजोरिटी सपोर्ट नहीं कर रही है, बट स्टिल ही वुड गेट इलेक्टेड सेलेक्टेड। अगर 100 वोट्स कहीं पे हैं और सपोज करो 99 वोट्स नोटा के हैं और एक वोट किसी एक कैंडिडेट को मिलता है तो ही वुड गेट इलेक्टेड इफ ही गेट्स मेजोरिटी। तो बहुत प्रैक्टिकली बहुत बड़ा फर्क सीधे सीधे नहीं पड़ता है। हाँ, शायद अगले इलेक्शंस में जो है गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो, शायद गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिव हो, लेकिन डायरेक्टली अभी कोई जो है फर्क नहीं पड़ता है। इस इश्यू को लेकर महाराष्ट्र और हरियाणा ने एक बहुत इनोवेटिव कदम उठाया है कि जो उनके जो बाई इलेक्शंस होते हैं, जो बाई इलेक्शंस वगैरह होते हैं म्यूनिसपैलिटी के लिए, पंचायत के लिए, तो उसमें उन्होंने नोटा का ऑप्शन दिया है और उसमें एक प्रोविजन उन्होंने ये रखा है कि अगर मेजोरिटी ऑफ द वोटिंग पीपल दे आर क्लिकिंग ऑन नोटा, जैसे कि 100 वोट है कहीं पे और 100 में से 50 से ज्यादा क्लिक आ रहे हैं नोटा पे, तब दोबारा से इलेक्शन होगा और जो दोबारा से इलेक्शन होगा फिर उसमें जो है कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे। हालांकि जो पुराने वाले कैंडिडेट हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनके पार्टिसिपेशन पर कोई रोक नहीं है, और दोबारा जो कैंडिडेट सेलेक्टेड होगा विद हाईएस्ट वोट्स ही वुड गेट इलेक्टेड। एक प्रपोजल इसमें यह भी रखा गया है कि अगर मेजोरिटी वो जो है नहीं मिलती किसी कैंडिडेट को या मेजोरिटी नोटा पे क्लिक करती है तो इलेक्शन दोबारा हो और वो इलेक्शन दोबारा हो पार्टी के खर्चे पे, ना कि गवर्नमेंट के खर्चे पे, क्योंकि गवर्नमेंट के खर्चे का मतलब है कि आप वोटर्स की, आप टैक्स पेयर्स की मनी को खर्च कर रहे हो उस चीज के लिए। दो ये डिबेटेबल इश्यू है कि किस हद तक आप इसे अप्लाई कर सकते हो, किस हद तक आप इसे जो है इंप्लीमेंट कर सकते हो, बट स्टिल वी कैन से दैट कि नोटा एक बहुत जो है इनोवेटिव स्टेप है। और भी कंट्रीज हैं जिनमें कि नोटा का यूज होता है, जैसे कि फ्रांस में यूज होता है, ब्राजील में यूज होता है, फिनलैंड में यूज होता है, और भी काफी कंट्रीज हैं जो नोटा को यूज करती है, बट हमें इसे और इफेक्टिव बनाना होगा अगर हमें कोई एक्चुअल चेंज लाना है लोगों में, लोगों के पार्टिसिपेशन में। अगेन जब मेजोरिटी ऑफ द वोटर्स अगर नोटा पे क्लिक करते हैं तब एटलीस्ट री इलेक्शन होना चाहिए ताकि जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें पता चल सके कि उनकी पब्लिक अपील ज्यादा नहीं है, दे आर नॉट वेरी पॉपुलर, तो शायद वो अपने आप को पॉपुलर बनाने के लिए कुछ करें, शायद दोबारा से जब इलेक्शन हो तो वो ज्यादा एफर्ट्स करें, शायद वो ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो, तो ये एक पॉजिटिव चेंज है। इसके अलावा देखा गया है कि कुछ इलेक्शंस में 85% तक लोगों ने 85% ऑफ द वोटर्स हैव सेलेक्टेड द नोटा ऑप्शन, तो इसका यूज हो रहा है और वी कैन एक्सपेक्ट कि अभी भी जिस फॉर्म में ये है इट वुड ब्रिंग पॉजिटिव चेंज फॉर द डेमोक्रेसी और इसके स्कोप को एक्सपेंड करने की जरूरत है, देन इट वुड बी मोर फ्रूटफुल फॉर द डेमोक्रेसी। सो आई थिंक दैट वाज इट। इसके अलावा मैं लीगल इश्यूज कंटिन्यूसली डील करता रहूंगा और जो जनरल टॉपिक्स हैं जीएस के उन्हें भी मैं धीरे धीरे डील करूंगा। कोई क्वेश्चन हो, सजेशन हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।